बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़र्स्ट रेसिपीज़ फरमान राव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए मैं आज बना रहा हूँ। ये स्वीट रेसिपीज़ है, हम सिंपल फ्रूट कस्टर्ड विद फ्रूट केक के साथ। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो ये तकरीबन हम 2 लीटर दूध के लिए बना रहे हैं। तो इसमें 2 साशे मैंने लिए हैं कस्टर्ड के, जो कि गर्म दूध के अंदर उसको फेंट लिया है और ये लिक्विड शेप में बन गया है। इसके अलावा चंद दाने इलायची के हैं। शुगर एज़ पर नीड है, जितनी आपको पसंद है उतनी शुगर इसमें यूज़ की यूज़ करें। उसके बाद फ्रूट में आ जाता है, हमें सिंपल फ्रूट यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, और भी आप ऐड कर सकते हैं बट हम सिंपली ये बनाना है। इसके अलावा एप्पल है, सेब है, और ये चंद हमने पाइन एप्पल के ये चॉप शुदा कंटेनर मिलता है, ये आप ले सकते हैं। अगर ज़रूरतन आप डाल सकें इसे, अगर ना भी डालें तो फिर भी ठीक है। और ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड है, सॉरी फ्रूट केक है। तो ये हम तकरीबन 2 लीटर दूध के अंदर इसको बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी मैं आपको अभी बताता हूँ फर्दर इसके बाद हमने क्या करना है। ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अलावा हमारा 2 लीटर दूध है। ये मैंने जो ऐसे बताया था, ये हम तकरीबन 2 लीटर दूध में इसको क्या कहते हैं बना रहे हैं। ये हमारा 2 लीटर दूध है, इसको आप तकरीबन 1 से 2 इसके अंदर बॉयल आ जाएँ जब हम इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है अपना कस्टर्ड। तो अभी इसमें अभी मैंने ये रखा है, अभी हॉट हुआ है, गर्म है दूध, तो इसमें हम फिर शामिल करेंगे कस्टर्ड। अभी इससे पहले हमने इसके अंदर जस्ट चंद दाने इलायची के शामिल किए हैं और इसके अलावा शुगर शामिल की है। और अब इसके बाद थर्ड नंबर पे हम इसमें शामिल करेंगे कस्टर्ड। अच्छा, कस्टर्ड शामिल करने का एक मैं बता देता हूँ आपको। समटाइम ये होता है कि आप ठंडे दूध के अंदर इसको कस्टर्ड को फेंटते हैं, इसको मिक्सअप करते हैं, तो उससे ये है कि फुटकड़ियाँ बन जाती है, दाने दाने से शेप में आ जाता है, जो कि कस्टर्ड का सारा टेस्ट ख़राब कर देता है, ऑलमोस्ट कस्टर्ड ही ख़राब हो जाता है आपका। तो इसको मिक्सअप करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको गर्म दूध लें आप, सिंपल गर्म करके जैसे बॉईल करने के लिए हमने रखा है, और उसको थोड़ा सा किसी बॉल में ले लें छोटे में, और उसमें मिक्सअप करें इस कस्टर्ड को। तो क्या कहते हैं कि फिर इसमें कोई फुटकड़ियाँ भी नहीं बनेगी और बड़ा बेहतरीन किस्म का आपका इंशाल्लाह कस्टर्ड बनेगा। अब इसका मिक्सअप करने का तरीका ये है कि हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर शामिल करते जाएंगे, जैसे मैं ये शामिल कर रहा हूँ, और साथ साथ में आप अपना ये स्पैचुला मतलब चमचा आप हिलाते जाएंगे इसके आहिस्ता आहिस्ता करके, और साथ साथ ऐसे करके आप शामिल करते जाएंगे। इसके अंदर बॉयल आ चुका है, तो इसलिए हम इसमें साथ साथ ये शामिल करते जाएंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये क्या कहते हैं शामिल करेंगे। और आपको आपने दरमियाने इस पर रखना है, आप ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो। ये हमने तकरीबन थर्ड हिस्सों में 3 पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्सअप कर देंगे। और ये कस्टर्ड बनाना फ्लेवर में है, बाकी अपना आपकी जो चॉइस हो, मैंगो हो, स्ट्रॉबेरी हो, वो जो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया है, ये ग्रीन हो गया है अपना। इसको हम थिकनेस करेंगे, इसकी थोड़ा सा थिक करेंगे इसको, उसके बाद हम इसमें फ्रूट अपना शामिल करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद क्या करना है। ये तकरीबन 10-15 मिनट के बाद हमने इसके अंदर अपना फ्रूट शामिल कर देना है। तो ये थोड़ा सा थिक हो गया है, उसके फ्रूट शामिल करने के बाद थोड़ा सा और मज़ीद हम उसको थिक करेंगे, तो ताकि ये फ्रूट इसके अंदर मिक्सअप हो जाए, थोड़ा सा टेस्ट हमारा इसमें डेवलप हो जाए। जैसा कि नाम से ये फ्रूट कस्टर्ड है, तो फ्रूट को हमने इसके अंदर मिक्सअप करना है। ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया इसके अंदर, इसको आँच को हम धीमी रखेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे, देन फिर इसके अंदर शामिल करेंगे अपना फ्रूट। ये देखें आप, जैसा कि हमने इसके अंदर फ्रूट शामिल कर दिया है, तो ये आपको नज़र आ रहा है। अब इसके बाद फिर हम फर्दर इसको मज़ीद थिक करेंगे, गाढ़ा करेंगे इसको, और पकाएंगे इसको थोड़ा सा और। ये आप साथ साथ देखें, ये इसके अंदर हमने फ्रूट शामिल किया है, तो इसको फ्रूट शामिल करने के बाद थोड़ा सा थिक करेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया था कि क्या कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा इंग्रेडिएंट बाद में आपको दिखाया था, उससे पहले मैंने इसमें शामिल कर दिए थे 2-4 दाने इलायची के शामिल किए थे, 2-4 पीसीस छोटी इलायची की, ग्रीन इलायची, और शुगर इसके अंदर शामिल कर दी थी एज़ पर नीड। वो आप चेक कर सकते हैं, वो फिर देख लें आप जितनी आपको पसंद हो। और इसके अलावा पाइन एप्पल था, वो ज़रूरी नहीं है, अगर आप ना भी करना चाहिए इस्तेमाल, वो
कोई ज़रूरत नहीं है कि ना भी कर दें, फिर भी ठीक है। फ्रूट कस्टर्ड में सिंपल हमने दो फ्रूट यूज़ किए हैं और फ्रूट कस्टर्ड फ्रूट केक है हमारे पास, सादा फ्रूट केक है। तो इंशाल्लाह ये अभी फर्दर इसको ठीक करके फिर मैं आपको बताता हूँ, फाइनल लुक में आपको दिखाता हूँ इसको। ये देखें आप, अभी ये तकरीबन काफ़ी पहले से बेहतर हो गया है, या मतलब थिकनेस इसकी गाढ़ा हो गया, लेकिन अभी मज़ीद थोड़ी सी और करेंगे 5 से 10 मिनट, और इसको इतना गाढ़ा रखेंगे कि क्योंकि हम इसमें सादा फ्रूट केक का यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इसको सब करना है, मतलब कि उसको ऑब्जर्व करना है, इसको कस्टर्ड को पीना है, तो ताकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए बाद में जब हम इसको डिश आउट करें। तो इसको तकरीबन साथ आपने इसके अंदर चमचे को हिलाते जाना है ताकि ये नीचे लग ना जाए। तो इसको आग को हमने दरमियानी रखा हुआ है, नॉर्मल, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और ज़्यादा हल्की भी नहीं है, और हल्का हल्का आप इसमें चमचा हिलाते जाएंगे और 5 से 10 मिनट तक इंशाल्लाह ये हमारा तैयार हो जाएगा। फिर इसको डिश आउट करके दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको, सर्व करेंगे। उससे पहले जब ये थिकनेस होगी इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस हद तक इसकी थिकनेस रखनी है आपने। इसने इंशाल्लाह इसमें जो हमने फ्रूट यूज़ किया था वो भी सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, इसके अंदर मिक्सअप हो जाएगा और माशाल्लाह का बेहतरीन किस्म का इंशाल्लाह इसका लुक आएगी। ये देखिए अभी ये तकरीबन हो गया हमारा कस्टर्ड रेडी, तैयार हो गया है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है ना ही ज़्यादा पतला है। तो इसको अभी हम इंशाल्लाह फ्लेम इसका बंद कर देंगे, चूल्हा बंद करके, और इसको हम ठंडा करेंगे, ठंडा करके फिर डिश आउट करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। क्योंकि ज़्यादा इसको हम गाढ़ा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसमें हम सादा फ्रूट कस्टर्ड यूज़ कर रहे हैं और उसने इसको सर्व करना है, चूसना है, तो इस बहुत ज़्यादा फिर गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसको हमने नॉर्मल रखना है। ये देखें ना दरमियाना है, ये ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, क्योंकि ये अभी ठंडा होगा, मज़ीद गाढ़ा होगा ठंडा होने के बाद, और जब इसमें हम फ्रूट कस्टर्ड वो सादा फ्रूट केक यूज़ करेंगे तो मज़ीद ये गाढ़ा होगा। तो इंशाल्लाह इसको अब हम ठंडा करने के बाद फिर डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये ऐसे करेंगे, फिर हम इसकी बेस के अंदर हम ये अपना जो फ्रूट केक है ये डाल, इसको हम यहाँ से नीचे तह के अंदर ऐसे पीसेस करके हम लगा देंगे और इसके ऊपर फिर हम इंशाल्लाह कस्टर्ड ऐड करेंगे इसके अंदर, फिर आपको दिखाते हैं इसको प्रॉपर डिश आउट करके। ये हमारी फाइनल लुक है, हमने ये क्या कहते हैं कि इसकी फाइनल लुक ये देखें आप, इसमें थोड़ा सा डार्क रेड लाइट सा कर दिया है, और इसमें कुछ चीज़ें ऑप्शनल भी हैं अगर आप यूज़ करना चाहें, जैसे कि हम फ्रूट कॉकटेल भी यूज़ कर सकते हैं, खोया भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स नट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे ये चीज़ें क्या कहते हैं कि इनफ है एक सादा सिंपल फ्रूट कस्टर्ड के लिए। और ये हमारे पास इसकी फाइनल लुक आई है, ये सर्विंग हमने की है, नॉर्मल सी टाइम शॉर्ट था इस वजह से जल्दी जल्दी फिर ये सारा इंशाल्लाह इसको मैनेज किया है, और अच्छा टेस्ट है। इसके बाद इसको फ्रीज कर दें आप तकरीबन घंटा 1.5 घंटे के लिए, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर आप इसको सर्व करें। और सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको, आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। जज़ाकअल्लाह।